ओके गाइस, सो फाइनली जो हमारा टूर था यूपी का वो ख़त्म हो चुका है। 5 दिन हमने यहाँ पे स्टे किया और अभी हम यहाँ से इस बस में जाएंगे डायरेक्ट आज़ादपुर के लिए, और फिर आज़ादपुर जाके फिर आपसे बात की जाएगी कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ से। खट्टी मीठी यादें, कुछ मीठे यादें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट। ये जो हमारा टूर था ये मेरी बुआ के यहाँ, फिर नानी के वहाँ, और देन फिर हम अपने ताऊ जी के वहाँ पे गए थे। और ये टूर काफ़ी अच्छा रहा, इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। सबसे पहला एक्सपीरियंस तो यही कि यहाँ की काफ़ी हॉट और जानलेवा गर्मी का हमने सामना करा, और उसके साथ फिर हमने एक बड़े कुंड में नहाए जो सभी ने इंजॉय किया था। सब बहुत ही एक्साइटेड हुआ, काफ़ी अच्छा रहा, और सब कुछ शेयर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं शेयर करेंगे। होप सो सब इस चीज़ को देखेंगे और हमारे साथ वो भी इंजॉय करेंगे, और मैं बोलूँगा कि एक बार वो इस तरफ आएँ और घूमें और हमारी तरह अच्छा एक्सपीरियंस। जो हमारा एक्सपीरियंस था यहाँ यूपी में, हम लल्लन डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे हमने इनका इलाज करवाया। सो उसने वो दर्द कर दिया था इनके माथे पे, उसके बाद थोड़ा अब ठीक हो गए हैं ये। बाकी आपको दिल्ली में जाके और बताएंगे क्या करा हमने पूरे राज्य में। हैरी सर के बारे में जो उनका एक्सपीरियंस रहा चोट के बारे में वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लल्लन डॉक्टर के पास गए, लल्लन डॉक्टर ने इनका जो माथा था वो देखते ही इनकी चोट, जिसे घुमड़ी बोलते हैं, उस पर चिपट गया, और चिपटने के बाद उसने इस तरीके से भाई साहब जो घुमड़ी का पोस्टमार्टम किया है, बता नहीं सकता क्या पेन था। फिलहाल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आपके हैरी सर ने हाथ पकड़ा, उसके चक्कर में फ़ोन जो हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर गया और वो वीडियो सेफ नहीं हो पाई। अब फिर ये भी सोचा कि चलो अगले दिन फिर चलते हैं, उसी पेन में लेके जाएंगे और दोबारा वीडियो बनाएंगे, लेकिन हैरी सर की उतनी हिम्मत थी नहीं, क्योंकि उसने उस घुमड़ी को इतनी बुरी तरीके से रगड़ दिया था कि बताना मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप दिखा ही सकते थे, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ कि वो वीडियो सेफ नहीं हो पाई। लेकिन आप इस बीच इस बात का ध्यान मतलब वेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर भगवान करे दोबारा ऐसी सी घुमड़ी हो और हम लल्लन डॉक्टर के पास लाएं और वो इस तरीके से उस घुमड़ी को रगड़ेंगे ताकि फिर वीडियो बनेगी, और मैं इस बात को ही गारंटी देता हूँ कि वो वीडियो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। तो होप करो कि दूसरी घुमड़ी दूसरी साइड निकले हैरी सर के और हम लल्लन डॉक्टर के पास आए। धन्यवाद। और हमें लेके जाओगे कौन से रूट से? यमुना एक्सप्रेस वे से जाएंगे हम। हम कब तक पहुँच जाएंगे आज़ादपुर? लगभग 5 बजे तक हम आज़ादपुर पहुँच जाएंगे। तो गाइस 5 बजे तक हम आज़ादपुर पहुँच जाएंगे मॉर्निंग में, और यमुना एक्सप्रेस वे से जाएंगे। डॉक्टर हमारे ड्राइवर साहब यही कह रहे हैं, तो देखते हैं फिर यमुना एक्सप्रेस वे का जो माहौल है उसके बारे में बताएं, कुछ होटल वगैरह वहाँ होते हैं? होटल जल्दी जाने में तो भाई कैंटीन वगैरह, कैंटीन है, एक है आगरा टोल पे, एक है मथुरा से, आगरा और टोल मथुरा टोल, तो जेवर से, जेवर एक्सप्रेस वे, तो मथुरा में कन्हैया जी भी मिलेंगे। खैर देखते हैं, अगर मिल गए कहीं तो आपको मिलाएंगे। वहाँ से यमुना एक्सप्रेस से 20 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से। अच्छा, वहाँ जाने के लिए जब मथुरा एक्सप्रेस से नीचे उतरेंगे वहाँ से 20 किलोमीटर मिलेगा, इसके बाद वो मथुरा वाला। ओके, तो फिर देखते हैं रात में। अभी इटावा से कुछ सवारियाँ लेंगी, इटावा से यहाँ से सवारी कितनी रहेंगी? यहाँ से जो भी है ऑफिस से जो कटी होंगी, तो इटावा से ज़्यादा सवारी होंगी यहाँ से, इटावा और जसवंत नगर। अभी कितना एक्सपीरियंस हुआ आपको यहाँ दिल्ली से यूपी चलाने में? बस 7 साल। अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हम सेफ रहेंगे। चलो मिलते हैं फिर दिल्ली। बाय बाय, एम ओवर एंड आउट। थैंक यू। अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम साहब हमारे डॉक्टर जी, ड्राइवर जी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी रात के बजे हैं 1, ठीक है, अभी 1 बजे का टाइम है। तो मैं, विवेक और आलोक भाई साहब बिजी है अपने फ़ोन में, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक छोटे से ढाबे पे रोकी है बस, ठीक है। तो 1 घंटे का स्टॉपेज है यहाँ पे, फिर उसके बाद हम खाना पीना खाने वाले, करना क्या है। ये एक भाई साहब है, ये इसको कौवा पिला रखा है और इसको दे रखा है और ये भाई बोले जा रहा है, ये रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, छोड़ देते हैं हम। तो ये एक ढाबा है,
हमारी साइड में। अभी देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ खाने को अगर कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद हम वापस बस में जाके बैठ जाएंगे। भाई गायब हो गया तू, ठीक है इधर नहीं आ रहा, ठीक है चलो ठीक है ओके बाय बाय गाइस ओवर एंड आउट। अभी कुछ हमारी जो जर्नी थी वो फिनिश हो गई है। हम यूपी में गए थे औरैया बेराखेड़ी खीरी क्या था यार ना बेरीखेड़ा हाँ और औरैया बेरीखेड़ा रजधान और हाँ इन्हीं जगहों पर हम गए थे आलोक के रिलेटिव्स के घर। और अभी हम अपने घर आ चुके हैं, सुबह सुबह का टाइम है और 6:45 हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं तो थका हुआ नहीं हूँ, ठीक है एनर्जेटिक एज यूजुअल द मोस्ट इलेक्ट्रिफाइंग मैन। आलोक भाई साहब देखो कैसे हो रहे हैं। तो अभी घर पहुँच के फिर कुछ मैं तो सोऊंगा यार, ऐसा आलोक का कहना है, ठीक है बट मैं नहीं सोऊंगा, मैं घर जाते ही नहाऊंगा और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगा और फिर मैं यहाँ से अपने घर जाऊंगा। क्योंकि कल रात को मेरी मम्मी मुझे बहुत गाली दे रही थी, ऐसा गोलू ने मुझे बताया, उसका फ़ोन आया था, ठीक है। और ये आलोक का घर आ गया है, मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं, ठीक है उठाओ भाई जगाओ बेल बजाओ। अरे वाह ने बेल बजाई, हो चलिए ओके गाइस। सो अभी आ गए हैं घर वाले, ठीक है और बाय बाय एवरीबॉडी ओवर एंड आउट। घर आ गए फाइनली यहाँ।